This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host, Tarique Javed. Nazin, aaj bhi market hamari giri aur lekin ye in line with the rest of the world bhi thi. Kal humne America wala ko bhi under pressure dekha tha aur uski shayad wajah yahi ho ke jo umeedein bani thi ke Iran ke sath aur sab ke sath deal ho jayega. Pehla jo OPEC wale gaye Iran ke paas, unhone jo jawab diya wo kitna acha nahi tha. और नहीं लगता कि ईरान जो है इनके फ्रीज में या इवन कटलमेंट तो खैर दूर की बात है, फ्रीज में भी शामिल होगा. इसलिए तेल की कीमत में हमने देखा कि डिक्लाइन आया और साथ साथ गैस की कीमत जो है मज़ीद नीचे आ गई है, 1.85 की हो गई. तो अमेरिकन मार्केट में हमने देखा गिरावट. उसके बाद जब मार्केट खुली एशिया की, वहाँ भी नीके में 230 का लॉस, हैंगसेंग में 77 का लॉस और शंघाई में 3 का लॉस, सेंसेक्स में 59 प्लस है. और उसका नतीजा जनाब हमारे यहाँ ये हुआ कि मार्केट खुलते ही मार्केट नीचे आई 114 प्लस माइनस पे. उसके बाद एट 1.329 माइनस पे भी गई. ये 11 बजे के करीब की बात है और इंडेक्स हमारा 30,593 पे आ गया. कहाँ हम 33 की बात कर रहे थे, यहाँ 31 के भी लाले पड़ गए. और उसके बाद फिर बिफोर दी क्लोजर 12:30 से पहले -144 पे माइनस मार्केट आई. खुलने के बाद थोड़ी ऊपर तेज़ी आई और अभी जो आखिरी फिगर दिया गया मुझे 222 लॉस है, 31,062 का लेवल है. और कल की ख़ास बात ये रही कि बहुत ज़बरदस्त एंग्रो का प्रॉफिट आया, जिसमें ये बताया गया कि एंग्रो का जो प्रॉफिट है 122% बेटर आया. लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एंग्रो का शेयर जो है जनाब, एंग्रो कॉरपोरेशन का शेयर 3.72 डाउन है, विच इज़ अमेजिंग. और इसी तरह अगर आप देखें कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इस एंग्रो कॉरपोरेशन के रिज़ल्ट में, उसका भी शेयर जो है 2.23 डाउन है. अब इस बिहेवियर के बारे में अब कोई क्या कहे, जब एक कंपनी 122% इजाफा दिखाती है प्रॉफिट में, तो उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उसके शेयर को बेच दिया जाए बुरी तरह. तो अब इसका तो कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं. जिसको बेचना है बेचे, उसकी मर्ज़ी है. लेकिन आप लोगों से मेरा मशवरा यह है कि इस तरह के जो शेयर्स गिर रहे हैं डिस्पाइट गुड रिज़ल्ट्स, आप उसको ख़रीद लें. आपको रिज़ल्ट से मतलब है, आपको प्रॉफिट से मतलब है. दुनिया भर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन डे ट्रेडर बेच रहा है, कौन वीक ट्रेडर बेच रहा है, कौन आवर टू आवर ट्रेडर बेच रहा है, उसको बेचने दें. आप इन अच्छे अच्छे एसेट्स को लेकर बैठ जाएँ आराम से. आई क्लाइव कॉल से बात करें. वालेकुम. हेलो, ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ से. जनाब ख्वाजा साहब. जी जनाब अली, मैं कहना चाहता हूँ आपको बड़ी अच्छी बात बताऊंगा. मुझे आज एक आधा मिनट ज्यादा फालतू देना. मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त ने 1984 में 3 लाख का, 3.25 लाख का प्लॉट लिया था कमर्शियल 2 अगस्त का डिफेंस में, और उसने 4 लाख रुपए के 4 लाख के शेयर लिए थे उसी जमाने में 85 में, और वो शेयर सारे के सारे जीरो हो गए. प्लॉट जो है ना इस वक्त 15 करोड़ रुपए की ऑफर है, वो अभी बेच नहीं रहा. देखो मैं सबसे अच्छा काम जो है ना प्रॉपर्टी का, इससे दुनिया में कोई काम अच्छा नहीं प्रॉपर्टी का. मगर शेयर में, शेयर का काम भी अच्छा होता है, मगर शेयर का हर एक समझ से बाहर नहीं होता. मगर देखो मार्केट में अप एंड डाउन, और मैं आपको 2 महीने से कह रहा हूँ मार्केट में जरा नीचे अप एंड डाउन, क्योंकि मुल्क की हालत सही नहीं है. डॉक्टर शाहिद महसूस आपका प्रोग्राम है कल, मैंने रोज देखता हूँ, मैं 6 महीने से लगातार देख रही. अगर डॉक्टर शाहिद की बात पे चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. डॉक्टर शाहिद जरदारी के पूरे 5 साल की हुकूमत में कहते रहे कि कल उसकी हुकूमत गई, कल उसकी हुकूमत गई, बैठ करते रहे और आखिर में नहीं गई और 5 साल वो बंदा हुकूमत करके चला गया. पिछले दिनों भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट के ख़िलाफ़ बातें की, बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल नेम को बहुत टार्निश किया. इनको तो बंद कर देना चाहिए. नेपरा को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़, पैमरा को इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले. इस तरह के गलत र्यूमर्स फैलाते रहते हैं बैठ के, और कोई काम नहीं है. इनकी रोज़ी रोटी यही चलती है कि रात को कौन सा एक इशू खड़ा किया जाए. हम लोग की रोज़ी रोटी इस पर नहीं चलती. हम तो मुल्क के फायदे के लिए बातें करते हैं.
हमें कोई मतलब नहीं है सेंसेशन फैलाने की। मुल्क में कोई ऐसा मसला बड़ा नहीं है, छोटे मोटे मसले चलते रहते हैं, मईशत फर्स्ट क्लास चल रही है, सब कुछ सही है, रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने हैं। पीछे मैं ये हम अपने तरफ से रिजल्ट बना के तो नहीं बता रहे आपको, ये जो एंग्रो का रिज़ल्ट आया, एंग्रो 4-5 कंपनियों का मजमुआ है, उसका रिज़ल्ट अच्छा आना बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि इकॉनमी इज़ फाइन। उसका फर्टिलाइज़र का काम भी अच्छा चल रहा है, फूड का भी काम अच्छा चल रहा है। तो आपको मल्टीपल तरीके से अगर सपोर्ट मिल रही है हर तरफ से, और भी अच्छे अच्छे हमने सारे रिजल्ट देखे, बैंक यूबीएल का रिज़ल्ट अभी आया, इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, आप उसको सेलिब्रेट ना करें, उसके शेयर को बेचना शुरू कर दें तो क्या जी, शाहिद मसूद ने कह दिया इसलिए बेच दो। शाहिद मसूद वगैरह को छोड़ें, आप अपने रियलिटी को देखें, ग्राउंड रियलिटी को देखें कि आपके मईशत में आपको कहीं कोई कमी नज़र आ रही है, कहीं पर रश ख़त्म हो गया, कोई सुपरमार्केट खाली पड़ा हुआ है, कोई मॉल में दुकानें बंद पड़ी हैं, ऐसा है कुछ तो बताएं, जब नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जो प्रॉपर्टी की इन्होंने बात की बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ी है, लेकिन उसी दौरान जिसने भी अच्छे शेयर्स लेके छोड़े थे उसकी भी कीमत ऑलमोस्ट उसी तनासुब से बढ़ी है जैसे प्रॉपर्टी बढ़ी है। ये जो प्रॉपर्टी में शेयर में लॉस होता है इसलिए होता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद तो आप 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल तक नहीं बेचते उसको, लेकिन शेयर में क्योंकि इतनी आसानी है बेचने की, जब अभी फ़ोन उठाया बेच दिया, अभी फ़ोन उठाया ख़रीद लिया, तो लोग उसको ट्रेडिंग में लग जाते हैं, ट्रेडिंग कर करके सारा पैसा ज़ाया कर देते हैं। ट्रेडिंग का जो कॉस्ट है उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता, एक रुपये का फ़ायदा होगा ये नहीं पता कि उसमें 80 पैसा तो आपका खर्चा निकल गया। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं अक्षय बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अर्षद साहब, सर ये TIBTL के बारे में पता करना है, और ये इसके बारे में ये पता करना है कि ये इक्साती राहदारी के लिए बन रहे हैं। ये TIBTL के बारे में आगे क्या कहा आपने? ये इक्साती राहदारी के लिए इस्तेमाल होगा ये टर्मिनल जी? ये बल्क टर्मिनल है, इसमें जैसे ये हम गंदम एक्सपोर्ट करते हैं या कोयला इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो खुला हुआ माल होता है जिसको कंटेनर में नहीं होता उसके लिए इस्तेमाल होगा ये, और बड़ी तेज़ी से तकमील की तरफ ये बढ़ रहा है, 1-1.5 साल में ये तैयार हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म शेयर है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा ले रहे हैं, इस पर आप ट्रेडिंग वेडिंग ना कीजिएगा कि इसको आज बेचा ख़रीदा इस चक्कर में ना पड़े, अगर लेके आप छोड़ दें तो ये अच्छा आपको फर्स्ट क्लास डिविडेंड देता रहेगा काफ़ी अगले 100-200 साल तक। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वो जिसको कल शेयर के बातें कर रहा था वो शेयर, ये खाजा साहब जो कह रहे हैं उन्होंने ही मुझे बताया था कि इन्होंने एक ज़माने में नेस्ले का शेयर लिया 200 रुपये का और 600 पे बेच के बड़े खुश हो गए, आज नेस्ले का शेयर 8000 का है। अगर ये बैठे रहते लेके तो आज तो बहुत बड़े आदमी होते ही। तो जी हम लोगों को तो शेयर में भी उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना प्रॉपर्टी में हुआ है, मगर जो लोग शेयर को लेके ख़रीदना और बेचना शुरू कर देते हैं वो उनके साथ मसला है, उनको मैं उनको एक तरह से बीमार समझता हूँ कि वो उनको बेचे बगैर चैन ही नहीं होता, हज़ार समझाने के बाद भी नहीं समझते। अभी एक खातून है लाहौर की, मुझसे मशवरा लेती रही कि जी मैं शेयर ख़रीदूँ, और उन्होंने मेरे कहने पर कुछ शेयर्स लिए भी, अब वो मुझसे पूछती हैं कि ये शेयर लेकर ट्रेडिंग कर लूँ, अब उनको मैं क्या जवाब दूँ, मेरे सारी मेहनत तो ज़ाया हो गई, इतने दिनों से समझा रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग वेडिंग के चक्कर में ना पड़े, अपने काम से काम रखें, कोई ना कोई आप काम करते हो उस पर ध्यान दें, ये एक साइड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना सहारा बना रहे हैं बुढ़ापे के लिए, जब बाकी कश्तियाँ डूब जाएंगी तो यही छोटे छोटे सहारे जो है आपको ज़िंदगी में संभालेंगे। ये जो जिस कश्ती पर आप बैठे इस वक्त बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, जॉब है, किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, कोई सियासत आपके खिलाफ हो सकता है, कंपनी बैठ सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर यही छोटे छोटे सहारे जो है ना आपको बचाएंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कह रहा जी मैं ठीक हूँ जी। सर जी मैंने पूछा था PRL के बारे में और बैको और TRG के बारे में। सर PRL, बैको, बैको और TRG जनाब, PRL के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें, ये एक्सपेंशन पे जा रहा है, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने वाले हैं, अभी ये ट्रबल में है बिकॉज ऑफ़ दी ऑयल सिचुएशन, इनको हेवी लॉसेस हुए हैं, इन्वेंट्री लॉसेस, लेकिन ये इवेंचुअली बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बाइको के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू नहीं है, ये बहुत छोटा सा अनवायबल यूनिट है, या तो इसको एक्सपेंड करें या फिर जो एक और बगल में कंपनी इनकी खुली उसके साथ मर्ज कर दें, तब यहाँ पर बात बनेगी, अदरवाइज ये ऐसे ही 13-14 ही का रहेगा।
टीआरजी एक स्पेकुलेटिव शेयर है, इस सेंस में कि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसका कोई बेस नहीं है, ये एक रुपये का भी हो सकता है, 1,000 का भी हो सकता है। इसमें 27-28 वगैरह का एक लेवल इनका निकलता है, कुछ कैलकुलेशन है, मगर ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इनके ऑर्डर पे, इसके बारे में कोई बेस इसका नहीं बताया जा सकता। ऐसे शेयर ख़तरनाक होते हैं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम सर, इलियास सर्च कर रहा हूँ लाहौर से। इलियास साहब जी, सर आज फर्स्ट टाइम आपसे कॉल मिली है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, और सर मैंने सिर्फ फौजी सीमेंट के बारे में मालूम करना है कि उसको रखना चाहिए या कि सेल कर देना। नहीं सर, रखें इसको, बिल्कुल रखें। ये 6-8 रुपये से बढ़ के माशाल्लाह 40 के करीब आ गया, और इसको आप रखे रहें। इवेंचुअली आप, मुझे नहीं पता आपकी क्या उम्र है, लेकिन ये आप शेयर इसी को आप 300-400 का भी देखेंगे रियल टर्म में। अगर वो ज़ाहिर बोनस वोनस देगा तो डाइल्यूट होता रहेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत सॉलिड है पाकिस्तान में। आइए क्लब कॉल से बात करें। जी सर। जी जनाब। सर ये जीएचएनएल के बारे में पता करना था ना। किसके बारे में? जीएचएनआई के बारे में ना। सीएन जीएचएनएल गंदारा निशान। अच्छा अच्छा अच्छा, गंदारा निशान इंडस्ट्रीज और गंदारा निशान मोटर, थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है। दोनों ही मैं समझता हूँ अच्छे हैं। अभी आप इसको होल्ड करें, देखते हैं आज इसमें लिस्ट में आया नहीं आया। इनका जो मोटर का कारोबार है वो बहुत अच्छा चल रहा है, चलेगा आगे चल के, क्योंकि ये निशान की गाड़ियाँ बनाएंगे, बनाते हैं ये, और ये बहुत ही रिलायबल गाड़ी होती है, और अभी जो आगे चल के मुल्क में डेवलपमेंट होने वाली है इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। मुबशर बात कर रहा हूँ। हेलो मुबशर साहब। जी जनाब। हेलो। जी जी बोले मुबशर साहब। जी मुझे पूछना था सेप्को के ऊपर, जो जापान पावर सेप्को के बाद मुतालिक मालूम करना था मुझे आपसे, क्या लगता है आपको? तो सेप्को तो बंद किया हुआ है इन्होंने। जी जी। तो खुलेगा नहीं खुलेगा? देखिए ये जो स्टॉक मार्केट बंद होना खोलना वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़े से पैसे का मामला होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने खुद ही इनिशिएटिव लिया कि इन दोनों बंद कंपनियों को चलाया जाए, इनकी पेनल्टी वगैरह माफ़ करके, ताकि 300 मेगा बिजली आ सके ग्रिड में। लेकिन वो फिर प्रपोजल खटाई में पड़ गया। आई होप कि इसके ऊपर काम हो, और होना चाहिए, इकोनॉमिक नीड है अभी हमारी बहुत ज़बरदस्त कि ये दोनों बंद कंपनियों को चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो है गवर्नमेंट के ऊपर करने का, और यह होगा तो ये चल पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी खासी कीमत हो जाएगी शेयर्स की। आई क्लाइव कॉल से बात करें। चलो आज की ख़ास बात यह है कि गैस की कीमत पहली दफ़ा हिस्ट्री में 1.85 पे आ गई है, 5% डिक्लाइन है इसमें। और आप ये जो बात होती है कि जी तेल की कीमत बढ़ जाएगी, मैं कहता हूँ जब गैस की कीमत इतनी नीचे है तो तेल की कीमत ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, बिकॉज दोनों अल्टरनेटिव ईच अदर के हैं। तो तेल गैस की कीमत मुसलसल नीचे आ रही है, लेकिन जब अमेरिका एक्सपोर्ट शुरू कर देगा ये गैस का, तो ये फिर इसकी कीमत ऊपर जाएगी, और जिस रेट पे हमने अभी कतर से लिया उससे कहीं सस्ता आपको LNG यहाँ पर आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। इंडियन ओशन में गाड़ियाँ जहाज़ घूम रहे होंगे, और आप विदाउट एनी लॉन्ग टर्म डील उनसे बहुत छोटे छोटे डील कर सकते हैं, 6 महीने के, 2 महीने के, 3 महीने के। तो इस लिहाज से गवर्नमेंट का ये डील इतना लंबा करना जो था मुनासिब नहीं था और नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन आज की और जो ख़बरें हैं वो ये हैं, एंग्रो कॉरपोरेशन का तो आपको मैं बता चुका, आइए दूसरा है नेस्ले पाकिस्तान क्रॉस्ड द 100 बिलियन मार्क इन 2015। इसकी जो अर्निंग है जनाब आई है 6.5 बिलियन, बूस्टिंग इज ओवरऑल अर्निंग बाई 10.5% फॉर ईयर एंडेड 15। देखिए कि यहाँ भी आपको 10% का इजाफा है, एंग्रो के बाद नेस्लो एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान की, उसमें भी आपको इजाफा मिला, और इसके शेयर को भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब आज तो खैर उसमें लिस्ट में नहीं है, लेकिन लोगों का बस चलेगा तो इसको भी बेच देंगे।
गैस पाइपलाइन जो जनाब बिछने वाली है रशिया की मदद से फ्रॉम कराची टू लाहौर एलएनजी के लिए, उसकी कीमत बताई गई है 2 बिलियन, और जिसमें हमें तो पहले बताया गया था कि ये रशिया देगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि शायद हमें ही इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, और इस पर टैक्स लगाने की भी बात चल रही है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू। अगर ये आपको पाइपलाइन बिछानी है, रशिया जो देगा देगा, उसके अलावा अगर पैसे चाहिए तो आपको चाहिए कि कंपनी फ्लोट करें और पब्लिक से पैसा लें, ना कि टैक्स के ज़रिए लें। टैक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स हमारे गैस पे है, जिसकी वजह से गैस की कीमत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हमारी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उससे हमारा फार्मर तबाह हो रहा है, इंडिया से कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। आज जो इंटरनेशनल मार्केट में और हुआ सिलसिला वो ये है कि अमेरिका की जो मार्केट थी उसमें हमने 41 का लॉस देखा, नैसडैक में 46 का लॉस देखा, यूरोप जो है आते आते थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, अभी जो चल रहा है मार्केट यूरोप का वो ज़्यादा पॉजिटिव है, शायद ऑयल में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई हो, 30.6 थोड़ी सी अपटीक है ऑयल में फॉर वॉट एवर रीज़न। रिवॉल्विंग अकाउंट ऑफ पावर प्रोडक्शन अंडर सीपेक, ये बात चल रही है कि रिवॉल्विंग अकाउंट खोला जाएगा सीपेक के लिए, ये गारंटी दी गई ईसीसी इसके लिए। एचबीएल एसेट मैनेजमेंट रिक्वायर्स पिकिक एसेट मैनेजमेंट, पिकिक एसेट मैनेजमेंट जो थी एक कंपनी थी, पिकिक तो ख़त्म हो चुकी है एज ए बैंक, उसके बहुत सारे फंड्स वगैरह जो हैं मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीद लिए हैं, तो अब हबीब बैंक ने पिकिक एसेट मैनेजमेंट को ख़रीद लिया। जनाब आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, वाले सलाम जनाब, मैं जानना चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज का ये डाउन स्लाइड कब तक जारी रहेगा, ये क्यों नीचे जा रहा है? इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, दुनिया भर के हालात सही नहीं है, आप देख रहे हैं ममालिक जैसे कि जापान है, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो करते करते माइनस पे भी कर दिया, फिर भी वहाँ की इकॉनमी नहीं उठ रही, यूरोप में ज़ीरो है, स्वीडन में ज़ीरो इंटरेस्ट रेट हो गया है, एक जनरल डिक्लाइन नज़र आ रही है पूरी दुनिया में, और उसमें हमारी मईशत फिर भी बेहतर है, हमारे शेयर स्टॉक भी बेहतर है, हमारे स्टॉक इतना नहीं गिरा जितना और मुल्कों में गिरा है, रिलेटिवली मैं कहता हूँ कि हमारी मुल्क जो है बहुत बेहतर है, और यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और लेके जाना बिल्कुल ही अकलमंदी की बात नहीं होगी। आप लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टेड हैं उनको ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, आपकी मईशत सही चल रही है, इंटरनेशनल मार्केट से हमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, और आप लोगों को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, उसके रिजल्ट्स को देखना चाहिए, ना कि ओवरऑल बड़े बड़े तजियाकारों की बातें सुने आप। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो जी, सलामकुम, वाले सलाम जनाब, तारिक साहब खैरियत से आप? हाँ मैं ठीक हूँ जनाब। ये एंग्रो फूड के बारे में बताएं, इतना कम क्यों हो गया और इसको क्या रखना चाहिए या क्या? सर ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप बादशाह हैं, भेज दें इसको, सब भेज दें एंग्रो फूड, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा आया, उसको सजा दें कि रिजल्ट अच्छा क्यों किया उसने। एंग्रो फूड का रिजल्ट भी अच्छा आया, एंग्रो फर्टिलाइज़र का भी रिजल्ट अच्छा आया, और दोनों को लोगों ने बेच दिया, एंग्रो कॉरपोरेशन जहाँ पे 122% का इजाफा है उसको भी बेच दिया, अब इससे बड़ा इजाफा और कहाँ होता है भाई, नेस्ले में भी 10% का इजाफा, उसको भी बेच दें, आपकी मर्ज़ी है, और जहाँ लगाएंगे ले जाके वो अगर कोई मुझे बता दे तो मैं बड़ा ही उसका शुक्रगुजार हो जाऊँगा, कि यहाँ से ले जाके जापान में लगाएगा, यूरोप में लगाएगा, वेनेजुएला में लगाएगा, रशिया में लगाएगा, कहाँ लगाएगा, चांद पे लगाएगा, बता दे मुझे कोई, ऐसे रिज़ल्ट ऐसे पीई रेशियोज़ इस वक्त बहुत कम दुनिया में हैं, आर्ट्स का भी पीई नहीं है आपका इस वक्त, ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो बहुत ही कम हो गया, शायद 6-7 का हो गया है, चाइना जिसकी लोग बड़ी बातें करते हैं, चाइना में इस जनाब इस वक्त पीई चल रहा है 60 का, हालांकि उनकी मार्केट 6000 से घट के 3000 पे आ गई है, उसके बावजूद। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम जनाब। सर मैं अगली बात करूँ पेशावर कोहाट से, कोहाट आपके तौसल से मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, अपने खान साहब को मैं याद दहानी देना चाहता हूँ। जी जी। हमारा कोहाट से हंगू रोड पे हमारा सुरजई में एक गाँव है,
کئی گاؤں ہیں ان کی عمر گیس ہی نہیں ہے تو نہ اچھا گیس نہیں ہے آپ کے یہاں اچھا جی گیس تو جناب بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے انکلوڈنگ بلوچستان جہاں سے سب سے زیادہ گیس نکلا اور پشاور میں اگر گیس ہے تو کوہاٹ میں آ جانا چاہیے اب تو راستے وستے آسان ہو گئے جناب ویسٹرن روٹ کے پی ہینڈ سینٹر وش لسٹ آف سپک پروجیکٹس کے پی نے اپنی ایک وش لسٹ دے دی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ یہ پروجیکٹ ان کو چاہیے انڈر سپک ویسٹرن روٹ کے اوپر سی سی پی امپوزز 20 million فائن آن ڈان فوڈ ڈان فوڈ پہ الزام ہے کہ اس نے کے این این کے فوڈ کی کاپی بنا کے بالکل ایگزیکٹلی بیچی ہے اور اس پہ اس کو فائن ہوا ہے اٹس اے گڈ موو ایسا ہونا نہیں چاہیے آئیے ایک لائف کال سے بات کریں تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے اور ہمیں کسی سے گلہ شکوہ کیا کرنا ہے ہم تو ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں سر جی اور گیس کے علاوہ کیا کہا آپ نے ریکویسٹ کرتے ہیں ریکویسٹ اچھا جی ہماری ریکویسٹ نظر ثانی کر دیں عمران بجلی کا بڑا نقص نظام ہے عمران خان صاحب کے پاس جائیں نا وہی آپ کے بہت پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب نئی ملک سے میں کہہ دوں گا چلیں ٹھیک ہے ہمارے دوست ہیں نئی ملک صاحب جو کہ عمران خان کے بہت قریبی ہیں ان کا پورا وہ سسٹم چلاتے ہیں ان کو آج ٹیوٹر کر دوں گا کہ بھائی کوہاٹ میں گیس نہیں ہے آپ بالکل پہنچائیں گیس نظر یہاں پہ لوں گا چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ٹو ٹپس آف دا ٹریڈ ناظرین آج کے اخباروں میں ایک بہت ہی اہم تصویر لگی ہے جس کو دیکھ کے مجھے بے انتہا خوشی ہے ہوئی ہے وہ ہے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کے سلسلے میں یہ ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ ہے جس میں 950 MW بجلی پیدا ہوگا اس کی ٹوٹل کاسٹ ابھی فائنینشیل بتائی جا رہی ہے 404 billion اس میں یہ ہو رہا ہے کہ نیلم دریا جو آ رہا ہے 8 مقام کے سائڈ سے وہاں انہوں نے ایک سرنگ کھودا ہے جو پورا بہت بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سے ہوتا ہوا گڑھی دوپٹہ ایک جگہ ہے مظفر گڑھ کے پاس مظفر آباد کے پاس وہاں پہ وہ پہاڑوں کے اندر سے نکلے گا اور کیونکہ اونچائی سے وہ آ رہا ہے نیچے اسی دوران جو ہے وہ بجلی بناتا چلا جائے گا پانی ٹنل آ رہا ہے اور اسی طرح کا ایک ٹنل میں نے اور دیکھا مظفر آباد کے پاس جو ابٹ آباد سے جو دریا آ رہی ہے سائڈ سے جو دریا آ رہا ہے اس کو اس سے وہاں پہ انہوں نے سوراخ کیا ہے تو یہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے چائنا اس پہ مدد کر رہا ہے چائنیز انجینئرس کی تصویر ہے کہ وہ دو سائڈ سے کھود رہے تھے اور اتفاق ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ دونوں مل گئے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو بہت پرابلم ہو جاتی ہے بہت بڑی خوشخبری ہے یہ اس سے پانی سے بے انتہا بجلی پیدا ہوگی ایٹ اے ویری ویری لو کاسٹ صرف وہ جو گریویٹیشن کو یوز کر رہے ہیں کہ اونچے جگہ سے نیچے جگہ پانی آئے گا بڑے فورس سے آئے گا اور وہ ٹنل کے اندر جو بجلی بناتا چلا جائے گا اس پروجیکٹ پہ کافی ڈیلیز ہوئیں اس کی وجہ ہوئی کہ جو شروع میں مڈل ایسٹ کے لوگ آئے تھے انویسٹ کرنے کے لیے ان کو کاسٹ زیادہ لگی اور وہ چلے گئے اور کاسٹ بڑھنے کی وجہ ہوئی زلزلے نے وہ سارا جو الائنمنٹ تھا وہ کچھ ٹیڑھا کر دیا تھا اس کی وجہ سے انیشیل جو پلان تھا وہ گڑبڑ ہو گیا بہرحال اب اس پہ ٹھیک ٹھاک کام ہوا چائنیز حکومت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے ناظرین کل ایک امپورٹنٹ کال آئی اور ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی آپ ہی خود ہی بتاتے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پالیسیز میں یہ خرابیاں ہیں اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرو تو آپ کی بات پہ تو کنٹرڈکشن ہے تو اس کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت خرابیاں ہیں بہت ہی انجسٹ ملک ہے بہت ہی غلط ملک ہے یہ غریبوں کے لیے بہت زیادہ یا ظلم ہے یا امیروں کا راج ہے غریبوں کو بالکل یہاں کیئر نہیں کیا جاتا نہ یہاں لیگل سسٹم غریب کو سپورٹ کرتا ہے نہ ٹیکس کا سسٹم سپورٹ کرتا ہے لیکن اس سب کو بدلا جا سکتا ہے اسی کو بدلنے کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اور جب وہ بدلے گا تو یہ ملک بہت ہی خوبصورت ملک ہو جائے گا اور اس سے آپ کی معیشت بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی
جب آپ غریبوں سے ٹیکس نہیں لیں گے, امیروں سے ٹیکس لیں گے اور غریبوں کو ریلیف دیں گے, تو ان کے پاس پرچیزنگ پاور آئے گا, وہ خریدنے کے لیے مارکیٹ میں آئیں گے, تو اس سے آپ کی معیشت بڑھے گی, سب کے لیے بہتر ہوگا. ابھی جو ساری دولت ایک طرف جمع ہوتی چلی جا رہی ہے بیکاز جو رولرس ہیں انہوں نے حکومت اسمبلی وغیرہ پہ فل قبضہ کیا ہوا ہے اور سارے قانون اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں. جیسے کہ میں نے بجلی کی بات کی, جو 300-400 بلین کی سبسڈی دی جاتی ہے اس کا 70% فائدہ امیروں کو ہوتا ہے جو اے سی چلاتے ہیں. جو بیچارے عام پنکھا اور بلب جلانے والے ان کو, ان کا تو اتنا کنزمپشن ہی نہیں ہے, تو آپ پورے تمام بل بجلی پہ کیوں سبسڈی دیتے ہیں؟ صرف ان بجلی والوں کو دیں جو تھوڑے تھوڑے استعمال کرتے ہیں, 200-300-400 kV ان کو آپ دیں تو وہ غریبوں کو مدد ہوگی. ابھی آپ امیروں کو کیوں سبسڈائز کر رہے ہیں؟ اس سے آپ کا ایک بہت بڑا خرچہ ہے. اس طرح کی باتوں سے یہ نہیں ہے کہ ملک ختم ہو گیا, سب کے باوجود ملک چل رہا ہے. اس کے باوجود اینگرو کا یہ رزلٹ آ رہا ہے, نیسلے کا یہ رزلٹ آ رہا ہے. اگر یہاں پہ انصاف کر دیا جائے تو یہ رزلٹ اور ڈبل ہو جائیں گے. نیسلے کا یہ آیا کہ آج 100 بلین کراس کر گئے اس کے ٹرن اوور. تو اگر یہ آپ انصاف کر دیں اس ملک میں, یہاں غریب غریب نہ رہے, سب کے پاس پیسہ ہو جائے, تو یہ 100 کے بجائے 400 ہو جائے گا. آئیے ایک لائف کال سے بات کریں. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں جناب. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی 2 دن پہلے بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی تھی جو کہ بہت ہی مزہ کا خیز لگ رہی تھی کہ پاکستان کا جو $50 بلین کا لون ہے وہ 2016 میں میچور ہو رہا ہے, اور اگر ان دا ورسٹ کیس پاکستان نے نہ دیا تو دیوالیہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو فائنانس منسٹر نے اس کو نگیٹ کر دیا تھا رپلائی کر کے, لیکن جب ان دا ورسٹ کیس اگر پاکستان یہ لون نہیں دے پاتا اور دیوالیہ ہو جاتا ہے تو کیا سینیریوز پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ جو آپ لوگوں نے فرق نہیں کیا وہ یہ ہے کہ 5 بلین تو ہمارا ڈیو ہوتا ہے ہر سال اور ہم اس کو پے کرتے رہتے ہیں, آتا بھی رہتا ہے جاتا بھی رہتا ہے. آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی آئی ایم ایف نے دے دیا, آئی ایم ایف ہم سے دیتا بھی ہے لیتا بھی رہتا ہے. 5 بلین ہمارا ڈیو ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس آ جاتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو 45 بلین ہے وہ ہے پاکستانی ڈیٹ. آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ہم نے 10-10 سال کے بانڈ ایشو کیے ہوئے تھے بے انتہا, اور وہ 14% 15% تک کے بھی تھے. وہ سارے کے سارے مارچ میں زیادہ زیادہ ڈیو ہو رہے ہیں, اور اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ جو بانڈس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, ایک میچیور ہو جاتا ہے پھر نیا ایشو کر دیا جاتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. بینکوں کو تو چاہیے بانڈس. ہاں, ریٹ بہت کم ہو جائے گا, جہاں 14 تھا اب 4-5 کا بکے گا, وہ تو گورنمنٹ کے لیے تو اچھا ہے. اور اس طرح کی مس لیڈنگ رپورٹ دینا اور اس کو پھر پروپیگیٹ کرنا صحیح نہیں ہے. میں اب خود بینکر رہا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% آپ کا لون جو ہے ایک سال میں ڈیو ہو جائے گا. بینک کا تو کام ہی ہے کہ وہ آپ کو آسانیاں دیتا ہے, ری شیڈیول کر دیتا ہے. اگر زیادہ کسی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاٹ ہو گیا ہے, زیادہ پیمنٹ آ گئی ہے کسی منتھ میں یا کوارٹر میں, تو ہم اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں, اس کو آپ ٹائم بڑھا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا جناب. آئی ایک لائف کال سے بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. اسد بات کر رہا ہوں, اسد ارشد رحیم خان سے. آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ٹی پی ایل ٹریکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیسی کمپنی آج کل 11:30 پہ ہے, یہ بائے کرنا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ سیپکو جو اچھا شیئر ہے بائے کرے, لیکن وہ کچھ لوگوں نے بائے کیا اور وہ تو اب بلیک لسٹ ہو چکا ہے, اس کے بارے میں؟ بلیک لسٹ نہیں ہوا جی, وہ کیونکہ بند پڑا ہوا ہے, اس کے بےچارے جو اصل اسپانسر تھے وہ تو بھوکے مر گئے اس ظالم حکومت کی وجہ سے. وہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ لوگوں کو کہا کہ بھائی اپنے جائیداد بیچ کے لگا دو اور ہم آپ سے 15-20 سال کے لیے خریدیں گے. خریدتے تو ہیں لیکن پیمنٹ نہیں کرتی گورنمنٹ, بادشاہ ہے. اور وہ سارے لوگ بینکرپٹ ہو کے بیچارے بیٹھ گئے, ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ایس سی پی کی پیمنٹ کر دیں اور اس طرح کی, اس لیے وہ ان کا سسپینڈ ہو جاتا ہے شیئر. یہ کمپنی اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, ایک 150 کا پاور پلانٹ ہے یہ, اس کی اپنی ایک ویلیو ہے, یہ ختم کبھی نہیں ہوگی. اگر اس کو لیکوڈیٹ بھی کیا جائے, کسی اور کمپنی کو بیچا جائے, تو اس کی ایک ویلیو ہے. تو جس نے لیا ہے اس کو گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. اور اگر یہ گورنمنٹ نے اس کو چلا دیا جیسا کہ ارادہ کیا گیا تھا, پھر پتہ نہیں کیوں پوسٹپون ہو گیا, تو یہ ویسے ہی ایک رننگ کمپنی کے طور پہ 30-40 روپے کا شیئر ہو جائے گا. یہ ایک لائف کال سے بات. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شاہانہ صدیقی بات کر رہی ہوں کراچی سے. ویلکم ٹو دی شو. جی طارق صاحب, آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں, آپ کو پاکستان سے پیار ہے بہت, مجھے بھی بہت پیار ہے, میں بھی بہت تعریف سننا بھی چاہتی ہوں اور کرنا بھی چاہتی ہوں. تو ہمارے تو ملک میں بہت ساری سہولتیں ہیں اور ہر طرح کی, دوسرے ملکوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا اچھا ہے ہر طرح سے, ہر لحاظ سے بالکل. اور جو تھوڑی سی خرابیاں ہیں وہ دور ہو جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے. اور میں
ماری کے متعلق معلوم کرنا چاہ رہی تھی. ماری جب بھی میں لیتی ہوں اتنا کم ہو جاتا ہے اور پھر کافی عرصے مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بڑھنے کا. تو ماری دیکھیے نا, 2014 جون 2014 سے تیل کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہوئیں, جب سے یہ تمام جو آئل کمپنیز ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے. دنیا کی بہت ساری کمپنیاں 2016 میں تیل کی اور ایکسپلوریشن کی بند ہو جائیں گی, یہ پروجیکشن آ گئی ہے. ہماری جو 4-5 کمپنیاں انشاءاللہ وہ بند نہیں ہوں گی کیونکہ گورنمنٹ کا سپورٹ بھی ہے اور ان کے ریکوری بہت اچھی ہو رہی ہے, نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی اسٹرگلنگ اسٹیج میں ہے یہ انڈسٹری, اور جس نے اس کو لیا ہوا اس کے لیے برا وقت ہے. لیکن انشاءاللہ جب تیل کی قیمت بڑھے گی تو ان کی قیمتیں بہت بڑھیں گی. آپ کو مشورہ ہوگا کہ کوئی بھی, سب کو شروع سے مشورہ دیتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 32 سیکٹر ہیں, کسی ایک سیکٹر میں زیادہ نہ لگائیں. آپ لوگ پھیلا کے لگائیں, فوڈ میں بھی لگائیں, سیمنٹ میں بھی لگائیں, آٹو میں بھی لگائیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ابھی جس نے سارا پیسہ لگا دیا تھا آئل میں وہ بالکل تباہ حال ہے, اور یہ اس کی غلط انویسٹمنٹ پالیسی کی وجہ سے ہے, نہ کہ اوور آل معیشت کی وجہ سے ہے. اس سے پہلے کالر نے ٹی پی ایل ٹریکر کا کہا تھا, ایک یہ ہوائی کمپنی ہے, یہ اس کا کاروبار چلتا ہے کبھی نہیں چلتا, اس سے آپ دور رہیں تو اچھا ہے. ان کا جو جیمر لگا ہوا ہے, میری ابھی گاڑی چوری ہو گئی تھی لینسر, تو اس سے پتہ چلا اینٹی کار لفٹی والوں سے کہ یہ جیمر بالکل بیکار چیز ہے, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. 4,000-5,000 کے ملتے ہیں جیمرس جو مسجدوں میں لگائے جاتے ہیں, تو وہ جو کار لفٹرس ہیں وہ آپ کی گاڑی جب اٹھاتے ہیں وہ جیمر لگا دیتے ہیں اس گاڑی میں, تو یہ آپ کی جو پوری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے میں اس کو بہت اچھا نہیں سمجھتا ہوں. آئیے ایک لائف کال سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میرے پاس ویٹ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے. کون سی؟ 2 سال ہو گیا اس میں ایک ہی دفعہ ڈیویڈنڈ آیا ہے. کون سی کمپنی؟ ویٹ پاکستان. ویٹ, اچھا جی جی. اچھا اس کو میں نکال کے دوسرا کوئی آئٹم لوں, کوئی اچھے آئٹم, کوئی ایڈوائس ہے سر؟ ویٹ دیکھتا ہوں آج کے, آج کیا ریٹ ہے اس کی؟ سر پچاس, میں نے دیکھا نہیں ریٹ کافی دن سے. دیکھیے بعض کمپنی ڈیویڈنڈ نہیں دیتی, اس کی اچھی وجہ ہوتی ہے, اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینشن پہ جا رہی ہوتی ہیں. اگر یہ کچھ ایکسپینشن وغیرہ پہ جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, آپ کے ریٹ بڑھتا چلا جائے گا. اور جب بھی آپ شیئر لیں یہ نہ سوچیں کہ ڈیویڈنڈ ملے گا ہی تبھی آپ خوش ہوں گے. دونوں صورت پہ آپ کمپنی کے مالک ہیں, کمپنی کی ویلیو بڑھ رہی تب بھی آپ فائدے میں ہیں, کمپنی ڈیویڈنڈ دے رہی تب بھی آپ فائدے میں ہیں. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ریئلی کہ آپ کا شیئر بڑھ رہا ہے. ویت ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اور ابھی جو ہے فارما پالیسی آنے والی ہے, جب آئے گی اور اس میں پرائز ریشنلائزیشن ہوگی تو اس کے شیئرز کی ویلیو بڑھنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دوائی جو ابھی جس پہ بہت بحث چل رہی ہے, اس کے گورنمنٹ نے ہائر ریٹ دیا, اور یہ بہت ضروری دوائی ہے, $2 کا ایک ٹیبلٹ ہے, جبکہ امریکہ میں وہی ڈالر شاید $1,000 کا ڈالر ایک شیئر ٹیبلٹ ہوتا ہے, انڈیا میں شاید $4-5 کا ہے. تو اس طرح سے اب ریشنلائزیشن ہو رہی ہے, قیمتوں کو پہلے کی طرح فکسنگ سے نکالا جا رہا ہے, اس سے فارماسیوٹیکل کمپنیز کو فائدہ ہوگا. آئی ایک لائف کال سے بات کریں. ہلو, حنیف بول رہا ہوں. حنیف صاحب سے کیا حال ہے, خیریت؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کا جو پروگرام بڑا اچھا ہے, دیکھتا رہتا ہوں. مجھے تھوڑا معلومات یہ کرنا ہے کہ امریلی اسٹیل ملز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اس کا کیا پوزیشن ہے, اور یہ خریدنا چاہیے یا بیچ دینا چاہیے شیئر سے؟ تو امریلی اسٹیل آیا مارکیٹ میں اسی لیے کہ اس کو پیسے چاہیے تھے بہت بڑی ایکسپینشن کے لیے, اور اس نے یہ سوچا تھا کہ اس ریٹ پہ وہ بیچے گا, لیکن آپ لوگوں نے اس سے بہت زیادہ ریٹ دے دیا, اس سے اس کو اتنا پیسہ مل گیا کہ بینک سے جو آدھا پیسہ لینا تھا اس کی ضرورت نہیں پڑی. امریلی بہت خوش نصیب کمپنی ہے اس لحاظ سے, لیکن ریٹ جو ہے اس کا جس زمانے میں شو نہیں کر رہا تھا, اب کچھ بہت زیادہ ہی اوپر چلا گیا, اور پھر وہ اپنے لیول پہ آیا واپس, ابھی ایکسپینشن میں جا رہا ہے. لانگ ٹرم اس کا فیوچر بہت اچھا ہے, جس نے ہائی ریٹ پہ لیا تھا اس کو تو نقصان ہو گیا, لیکن ابھی جس ریٹ پہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں ریٹ صحیح ہے, اور یہاں سے اس کو اوپر ہی جانا ہے جب یہ ایکسپینشن اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ایکسپینشن کی وجہ اس نے یہی بتائی تھی کہ ہاں اس کو بہت زیادہ کام نظر آ رہا ہے, وچ از ٹرو. کچھ شیئرس پہ نظر ڈالتے ہیں آج جو اوپر چل رہے ہیں. ٹی آر جی میں 1 روپے کا لاس ہے, پاک الیکٹران رائٹ میں 1 روپے کا لاس ہے, 17 روپے کا ہو گیا جناب.
नेशनल बैंक में 273 का इजाफा है, 57 नेशनल बैंक के ऊपर चला गया भाई आज के गिरती हुई मार्केट में। एग्रो फर्टिलाइज़र में 2.53 का लॉस है जनाब, हालांकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब में 6 पैसे का इजाफा 8.36 का हो गया जनाब। पाक इलेक्ट्रॉन में भी कमी है 73 पैसा डाउन। अमरीली में जनाब 1.6 का लॉस है। अभी इस रेट पे अमरीली मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत महंगा बिक गया था ये, नेवर माइंड दैट। ऑयल एंड गैस कंपनी जो है उसका जो डिविडेंड आता है उस लिहाज से नेशनल बैंक की पोजीशन जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, साजिद बोल रहा हूँ लाहौर से। साजिद साहब, मेरे पास पेस के शेयर्स हैं और नेशनल बैंक के, तो इनके बारे में क्या राय है तारिक साहब जी? पेस आपके लाहौर की कंपनी और वहाँ डेवलपमेंट इसका सुना है शुरू हो गया है, बैंक ने इसको सपोर्ट किया है, उसी से ये उठ खड़ा हुआ फिर से। और नेशनल बैंक के बारे में मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ क्योंकि इसका एसेट बेस बहुत बड़ा है और जब इसको प्रॉपर्ली चलाया जाएगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। आज ये 2.73 बढ़ा हुआ है और शायद इसकी जो डीनेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो चल पड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट की सर्विस की गारंटी थी वो इनके स्टाफ से ख़त्म की गई है, सिर्फ उसको करने से ही बहुत बड़े कॉस्ट कटिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सैलरीज है, ड्राइवर को 1.25 लाख मिल रहा है और इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। जब सैलरी रैशनलाइज होगी तो मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे वहाँ पे, और उसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी आगे चल के। डनमन रॉयल सिटी में जनाब लॉस है 7 पैसे का। सुई साउदर्न में भी 1.1 का लॉस, 2670 का हो गया। दोनों गैस कंपनी मैं समझता हूँ अभी लेना अच्छा है क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है। फातिमा फर्टिलाइज़र में 57 पैसे का इजाफा है। बाइको पेट्रोलियम में -41 पैसा। फौजी सीमेंट 39 का हो गया जनाब, 42 पैसे लॉस के बाद। डीजे खान में भी लॉस है, हालांकि इसका भी रिज़ल्ट अच्छा आया मगर आप लोगों ने इसको भी गिराना है, तो 151 का हुआ। इट्स ए गुड बाय एट दिस रेट इन माई ओपिनियन। दीवान सीमेंट 11 रुपये का हो गया, ये भी मैं समझता हूँ अच्छी बाई है क्योंकि दीवान के सीमेंट अब बिकना शुरू हो गया मार्केट में, आप देखते होंगे। सुई नॉर्दर्न में 23 का हो गया जनाब, ये भी मैं समझता हूँ अच्छी बाई है। एंग्रो कॉरपोरेशन एट 267 इज़ वेरी गुड और इसको आपको लेना चाहिए। पाक पेट्रोलियम एट 114 मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, इसको भी आपको लेना चाहिए। आई लाइफ कॉल से बात करें। सर इस्लाम जनाब, सर आपका ऑप्टिमिज्म देख के खुशी होती है सर, मैं भी ऐसा ही था, मगर ये है कि सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक है। अच्छा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो हालात भी ऐसे है, मेरे मुंह में खाक, अगर ये 25-26 हज़ार पे आ गई तो हम क्या करेंगे? अब लोगों को माफिया का पैसा है, करप्ट लोग हैं, क्या होगा? वो बेचेंगे, हम क्या करें? वो बेचेंगे, आप खरीदेंगे, ये करेंगे, आप क्या करेंगे? वो जो माफिया है, माफिया तबाह हो गया है, आपको पता होना चाहिए। जो 6-7 ब्रोकर्स की बात होती थी वो तबाह हो चुके हैं, उनको NAB ने और FIA ने घेर लिया है, कोई माफिया वाफिया नहीं रहा। उनको बेचने दें, उनको हेरा फेरी करने दें, आपका काम है अपने अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स लेके बैठें और उस पर डिविडेंड का सोचें, उस पर जुआ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ाना, बेचना, खरीदना, बेचने खरीदने में खर्चे बहुत आते हैं, लोगों को अंदाज़ा ही उसका नहीं होता। ब्रोकर तो चाहेगा कि आप खेलें। 10,000 की मार्केट थी आपकी, अभी 31 की है, और अगर 26 की भी हो जाएगी तो कौन सा बड़ा जुल्म हो जाएगा? जिसने 10,000 पे लगाया वो आज भी बहुत बड़े आमदनी पे बैठा हुआ है और 26 पे भी बहुत बड़ी इंक्रीज़ लेके बैठा होगा। 2012 से लेके अब तक किसी मार्केट ने इतनी बड़ी इंक्रीज़ नहीं दी है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉल पाकिस्तान में, ना होगा। और ये जो अभी पूरी दुनिया में क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं उसका इम्पैक्ट आता रहता है क्योंकि फॉरेन सेलिंग जारी है दबा के। आज की पोजीशन आपको बताऊं कि गोरे ने आज कितना बेच दिया, कल तो 2.3 मिलियन शेयर बेच दिए उसने, आप लोगों ने भी 0.8 बेच दिया। गोरा बेचता है बेचे, आप क्यों बेच रहे हैं भाई? आपकी आपका मुल्क है, आपकी ये कंपनियाँ हैं। एंग्रो किसकी कंपनी है? नेस्ले किसकी कंपनी? आपकी है। उनका कारोबार अच्छा है, नेस्ले ने 1,100 बिलियन के ऊपर वो पहुँच गया टर्नओवर उसका, और आपको आप खुश होने के बजाय उसको बेच रहे हैं।
एंग्रो ग्रुप एज ए होल उसका रिजल्ट 122% ज़्यादा आ गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उसको आप बेच रहे हैं। भाई एंग्रो से अच्छा इन्वेस्टमेंट किधर है, कहाँ है, कौन से मुल्क में है? आई क्लाइव कौन से बात करें, खराब हालत था। जनाब सर, सर मैं अबास अर्ज कर रहा हूँ। अबास साहब वेलकम शो। सर थोड़ा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है इहदे नाल। शुक्रिया जी। अच्छा सर गुजारिश ये है कि एंग्रो फूड्स दा तुसी हुण भी एंग्रो ग्रुप्स दी खासी तारीफ कर रहे हो, यकीनन अच्छा ही होएगा, लेकिन ये 175 तो उतर के ना एंग्रो फूड जेड़ा जे 127 ते आ गया है, इहदी की वजह है, इहदे फंडामेंटल्स खराब हो गए ने या खराब सन, ये की मतलब? देखिए ये एक तो पूरी जो मार्केट में हलचल आई हुई है उससे भी बहुत सारे शेयर बिला वजह भी गिर रहे हैं, लेकिन अभी जो आज जो एग्रो फूड का रिज़ल्ट आया है एग्रो ग्रुप के अंदर उसमें तो इम्प्रूवमेंट है। और ये वैसा शेयर है जनाब, एग्रो फूड टाइप के जो शेयर्स होते हैं या नेस्ले है या रिफान है, हमारे पास नेशनल फूड है, ये सब खाने पीने के जो कंपनीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा किया और आगे भी बहुत अच्छा करते रहेंगे। ये तो इनसे आप अगर थोड़े दिन के लिए इनका शेयर की वैल्यू घटती भी है तो आप घबराएं नहीं। एग्रो फूड के बारे में मैंने कहा था बहुत पहले, दो साल पहले, कि ये शेयर उस ज़माने में 40-50 रुपए का था और बढ़ता नहीं था। मैंने कहा था ये शेयर 1000 का हो जाएगा आगे चल के, आगे से मुराद है काफ़ी आगे। तो ऑलरेडी अभी अगर आप कह रहे हैं 175 तक गया और फिर नीचे आया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बढ़ते ही चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल कारोबार में है। फूड का कारोबार बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, टफ़ कंपटीशन, लेकिन मार्केट इतनी बड़ी है और बड़ी होती चली जाएगी। जब यहाँ से गुरबत कम होता चला जाएगा और लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगा तो यहाँ बहुत गुंजाइश है इस सब कारोबार को बढ़ाने की। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा, खुदा हाफिज़।